हेलो गाइस, वेलकम टू फूड एग्री क्लासेस। माई सेल्फ लक्ष्मीकांत रावत। टुडे आई विल टीच यू अबाउट विटामिन। तो व्हाट इज विटामिन? विटामिन है क्या? द वर्ड विटामिन कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड बाइटा, मीन्स लाइफ। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपोनेंट इन फूड that are needed in very small amount for growth and for maintaining good health. Everybody must eat a certain amount of vitamins to stay healthy. Vitamins are chemically found in very small amount in many different food. मैं अभी एक पॉइंट और आपको यहाँ बताऊँगा कि who is coined vitamin bird. तो कैसीमिर फंक कॉइंड किए थे विटामिन बर्ड को इन 1912 में। हियर इज करेक्टरिस्टिक्स। विटामिन आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी इन द डाइट बिकॉज दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय द बॉडी। वाटर सॉल्युबल विटामिन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ह्यूमन टिश्यू, देयर एक्सेस इज एक्सर्टेड विद यूरिन। Significant amount of fat soluble vitamin can be stored in adipose tissue and the liver. Synthetic vitamin are identical to natural vitamins. Once growth and development are completed, vitamins remain essentially nutrition for the health maintenance of the cell tissue and organs. Next, what is classification? तो on the basis of their solubility, vitamin are mainly two types, fat soluble and water soluble. तो इस वीडियो में हम fat soluble vitamins के बारे में बात करेंगे। तो fat soluble vitamin क्या है? Vitamin that dissolve in fat, because fat is easily stored on our body. Fat soluble vitamin can be stored within our fat. This means they can accumulate and be saved for later use. The fat soluble vitamin are EDEK. Water soluble vitamin. Vitamin that dissolve in water, because our body is water environment, these vitamins can move through our body pretty easily. And they can also be flushed out by the kidneys. Water soluble vitamin include the B complex vitamin and C. There are 8 vitamins include B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 and B12. यहाँ मैं आपको एक पॉइंट और बता रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट हैं जो भूल जाते हैं कि वाटर सोलबल विटामिन कौन से हैं, क्या और फैट सोलबल विटामिन कौन है। तो आप इस तरह याद रख सकते हैं कि WBC वाइट ब्लड कॉर्पसल्स है, उसी का एक ट्रिक बनाया है WBC, जिससे आप याद कर सकते हैं। W मतलब वाटर, जो सोलबल हैं विटामिन बी और सी, बाकी जो लेस रह गए वो फैट सोलबल विटामिन है। आप इस तरह से याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। आगे हियर इज अ विटामिन क्लासिफिकेशन चार्ट। विटामिन आर टू टाइप्स, वाटर सोलबल एंड फैट सोलबल। एंड मैं आपको बताया था फैट सोलबल विटामिन ए डी के और ई। हियर इज राइट द साइंटिफिक नेम। विटामिन ए कॉल्ड रेटिनॉल या बीटा कैरोटीन। मैनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि विटामिन ए का अदर नेम क्या है, तो ये रेटिनॉल बीटा कैरोटीन। एंड डी कोलेकैल्सिफेरॉल एंड के फाइलोक्विनोन एंड मिनाक्विनोन। एंड बी ई टोकोफेरॉल। मैं आपको बता दूं, ई जो विटामिन है एज एंटीऑक्सीडेंट भी यूज होता है, काफ़ी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, तो मैं बता दे रहा हूँ। हेयर वाटर सोलबल विटामिन, वाटर सोलबल विटामिन नॉन बी कॉम्प्लेक्स और बी कॉम्प्लेक्स। नॉन बी कॉम्प्लेक्स
एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स, एनर्जी रिलीजिंग लाइक थायमिन, राइबोफ्लेमिन, नाइसिन, बायोटिन, पेंटोनिक, बायोटिन B7, पेंटोनिक B5, और हेमेटोपेलोलिक फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12, फॉलिक एसिड B9 और विटामिन B12 कोवालामिन। हेयर अदर विटामिन पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सल एंड पायरिडॉक्सामाइन। फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ए। विटामिन ए इज अ ग्रुप ऑफ अनसैचुरेटेड न्यूट्रिशनल ऑर्गेनिक कंपाउंड डेट इंक्लूड रेटिनॉल, रेटिनल और रेटिनोइक एसिड एंड सेबरल प्रो विटामिन ए कैरोटीनॉइड्स, अमंग विच बीटा कैरोटीन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इट्स एक्टिव फॉर्म इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल टिश्यू। वॉट इज डेली रिक्वायरमेंट? मैन एंड वोमेन 600 माइक्रोग्राम, प्रेगनेंसी लैक्टिकेशन 950 माइक्रोग्राम, इन्फेंट्स मतलब बच्चों के लिए जो छोटे बच्चे होते हैं शिशु 350 माइक्रोग्राम एंड चिल्ड्रन 600 माइक्रोग्राम। व्हाट इज फंक्शन ऑफ विटामिन ए? विटामिन ए प्ले अ रोल इन वैरायटी ऑफ फंक्शन थ्रू आउट द बॉडी सच एज विजन, जीन ट्रांसक्रिप्शन, इम्यून फंक्शन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन करता है, बोन में मेटाबॉलिज्म, हेमेटोपोसिस द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, स्किन एंड सेलुलर हेल्थ एंड एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। नाउ विटामिन डी। विटामिन डी रेफर टू ग्रुप ऑफ फैट सॉल्युबल सेकोस्ट्रॉइड्स, अ टाइप ऑफ स्टेरॉइड विद अ ब्रोकन रिंग, फाउंड इन लीवर एंड फिश ऑयल और ऑप्टेन बाय इरेडिएटिंग प्रो विटामिन डी विद अल्ट्रावायलेट लाइट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्हेंसिंग इंटेंसियल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फेट एंड जिंक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सनशाइन विटामिन। इट इज अवेलेबल इन टू फॉर्म। विटामिन डी को टू फॉर्म है। कहीं कहीं विटामिन डी ऑल्सो नोन एज कैल्सीफेरॉल भी मिल सकता है। ये विटामिन जो डी है टू फॉर्म होते हैं, कॉले कैल्सीफेरॉल एंड रेगो कैल्सीफेरॉल। कॉले कैल्सीफेरॉल मतलब विटामिन D3 इज मेड फ्रॉम 70 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल इन द स्किन ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन। एंड रेगो कैल्सीफेरॉल यहाँ सॉरी टाइप नहीं हो पाया है, रेगो कैल्सीफेरॉल है, इज ऑप्टेन आर्टिफिशियली बाई रेडिएशन ऑफ रेगो स्ट्रॉयल एंड इज कॉल्ड रेगो कैल्सीफेरॉल। इसके बारे में भी काफ़ी गेट और ICRGRF में काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसे भी याद रखना है कि विटामिन डी टू ऑल्सो नोन एज तो रेगो कैल्सीफेरॉल एंड विटामिन D3 कोले कैल्सीफेरॉल। वॉट इज फंक्शन ऑफ विटामिन D2? कैल्शियम बैलेंस, सेल डिफरेंशिएशन, इम्यूनिटी, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड टीथ। नाउ विटामिन ई। विटामिन ई रेफर टू ग्रुप ऑफ कंपाउंड डेट इंक्लूड बोथ टोकोफेरॉल एंड टोकोट्राइनोइड्स। दे आर नेचुरली अकरिंग एंटी ऑक्सीडेंट। मैंने आपको पहले ही बताया था शुरुआत में वीडियो में, ये विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। इट इज आल्सो कॉल्ड एंटी एजिंग फैक्टर। ये एंटी एजिंग फैक्टर भी कहलाता है। द बर्ड टोकोफेरॉल इज ड्राइव फ्रॉम द बर्ड टोको मीनिंग चाइल्ड बर्थ एंड फेरस मीनिंग टू बियर। इट इज द येलो ऑयली लिक्विड फ्रीली सॉल्वेबल इन फैट सॉल्वेंट। टोकोफेरॉल अल्फा बीटा गामा लेमडा हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स। हेयर इज अ टोकोफेरॉल स्ट्रक्चर। फंक्शन ऑफ विटामिन ई।
एंटीऑक्सीडेंट मोस्ट पावरफुल नेचुरल होता है। फ्री रेडिकल स्कैवेंजर, प्रोटेक्ट सेल मेम्ब्रेन, प्रोटेक्ट एलडीएल फ्रॉम ऑक्सीडेशन, प्रोटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, वर्क इन कंजुगेशन विद सेलेनियम। विटामिन ई आल्सो प्ले अ रोल इन न्यूरोलॉजिकल फंक्शन एंड इनहिबिट ऑफ पैलेटलेट एग्रीगेशन। विटामिन ई आल्सो प्रोटेक्ट लिपिड एंड प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। तो एक बात और बता दूँ, मोस्टली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में विटामिन्स के फंक्शन से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो हमको विटामिन्स के फंक्शन अच्छे से याद करने हैं, यही ज़्यादा पूछा जाता है। विटामिन के रेफर टू अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर फैट सॉल्युबल विटामिन द ह्यूमन बॉडी नीड फॉर कंप्लीटली सिंथेसाइज ऑफ सर्टेन प्रोटीन डेट आर रिक्वायर्ड फॉर ब्लड कोगुलेशन एंड आल्सो सर्टेन प्रोटीन डेट द बॉडी यूजेज टू मैनिपुलेट बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम इन बोन एंड अदर टिश्यू। विटामिन के इज नेचुरली प्रोड्यूस बाई बैक्टीरिया इन इंटेस्टाइन। इट इज असेंशली फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ टाइप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन एंड अदर फैक्टर इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। हेंस इट इज नोन एज एंटी हेमोरेजिक विटामिन। विटामिन के इंक्लूड टू नेचुरल विटामिन, विटामिन के फाइलोकोमिन और विटामिन के टू मेनाक्विनोन। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि विटामिन के को और किस नाम से जानते होते हैं, फाइलोक्विनोन एंड के टू को मेनाक्विनोन। फंक्शन ऑफ विटामिन के, इट इज असेंशियल फॉर द हेपेटाइटिक सिंथेसिस ऑफ कोगुलेशन फैक्टर सेकेंड फिफ्थ सेवन्थ एंड नाइन्थ एंड टेंथ। क्लॉटिंग, इट इज अ प्रिवेंट हेमोरेज ओनली इन केस व्हेन देयर इज डिफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इट एक्ट एज अ कोफैक्टर इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एसोसिएट विद लिपिड्स। विटामिन के इज नीडेड फॉर कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामाइल रेसिड्यूज ऑफ कैल्शियम बाइंडिंग ट्रांसपोर्ट बिटवीन द फ्लेविन कोएंजाइम एंड साइटोक्रोम सिस्टम। हियर ऑल विटामिन अबाउट डिफिशेंसी डिसऑर्डर। और इस वीडियो में हमने बताया था फैट सॉल्युबल के विटामिन्स के बारे में पढ़ाएंगे, तो उनके डिफिशेंसी डिसऑर्डर के बारे में भी बताएंगे कि किस विटामिन की कमी से कौन सी डिसऑर्डर होते हैं। तो विटामिन ए रेटिनॉल, लॉस ऑफ विजन, ब्लाइंडनेस मतलब धुंधला दिखने लगता है जब विटामिन ए की कमी होती है। विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, वीकिंग ऑफ बोन नियर जॉइंट रिकेट्स। विटामिन ई टोकोफेरॉल, फास्टर डिप्लेक्शन ऑफ आरबीसी फ्रॉम द बॉडी। और ये जो होता है इसे कहते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। और विटामिन डी जो डिजीज है उसे कहते हैं रिकेट्स। और विटामिन के की कमी से जो होता है इरेगुलर एंड स्लो ब्लड ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग, इसे कहते हैं ब्लीडिंग डायथेसिस। तो आगे का पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, आज के लिए यही काफ़ी है। थैंक यू। वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं।